My name is Sabiha. Today we will discuss lecture number 1. Unit number 3, Advanced Topics in MS Excel. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक नॉलेज देती चलूं जो कि आपकी इस चैप्टर के बारे में है। इसमें आप डिफरेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसकी जो टर्म्स हैं उनको समझने के लिए आपको इन टर्म्स को पता होना चाहिए कि एक्चुअली में ये क्या चीज़ें हैं, टेबल क्या चीज़ है, उसको हम कैसे इंसर्ट करते हैं, टेबल के अंदर रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, रिकॉर्ड किसे कहते हैं, फील्ड किसे कहते हैं। इन सबको समझने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकल के तौर पर जो है वर्ड के अंदर आपको ये सब चीज़ें करके दिखाऊंगी। और स्टूडेंट्स आप लोग भी साथ इसको जो है प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। आपको जो है क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एज़ यू नो कि ये स्टेप्स वाले क्वेश्चन है और आपको स्टेप्स वाले क्वेश्चन याद करने मुश्किल होगी, तो आप लोग जैसे इसको एक प्रैक्टिकल करेंगे तो आप इसको बहुत आसानी से अपने दिमाग में बिठा सकते हैं उन स्टेप्स को, जिसके ज़रिए फिर आप क्वेश्चंस को इजीली याद भी कर सकते हैं। हम वर्ड के पेज पर चलते हैं। ये वर्ड का डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि टेबल क्या चीज़ होती है, टेबल को हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि टेबल क्या होता है। यहाँ देखें बेटा, इंसर्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट पे गए, ये टेबल का ऑप्शन था, इसमें इंसर्ट टेबल पे मैं आई। मुझे कितनी रोज़ या कॉलम्स चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 5 ही कॉलम्स चाहिए और 5 ही रोज़ चाहिए। इसको मैंने ओके पे क्लिक किया। जैसे ओके पे क्लिक किया देखिए टेबल आ चुका है। आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ ताकि उसमें जो भी डाटा है वो आपको इजीली नज़र आ सके। यहाँ पे मैं इसको जो लिख लेती हूँ वो आप लोग के नेम्स लिख लूँगी। यहाँ पे जो है मैं इसको आपका रोल नंबर असाइन कर दूँगी एंड इसके अंदर मैं आप लोग को बताऊँगी क्लास, इसके अंदर मैं आप लोग को बता दूँगी कि आपके ग्रेड्स क्या हैं। इसी तरह से जो आपका ये वाला ऑप्शन है इसके अंदर मैं आप लोग को आपकी फॉर एग्जांपल परसेंटेज बता दूंगी कि आप लोग की परसेंटेज क्या है। तो स्टूडेंट्स इसको आपको ये टेबल बन चुका है। इसके अंदर जब मैंने इसको फिल करना है इसके अंदर किसी भी स्टूडेंट का नेम मैं लिख लेती हूँ। फॉर एग्जांपल एक कोई भी स्टूडेंट थी आयशा। नेक्स्ट मैं कोई भी स्टूडेंट का नेम लिख लेती हूँ। इसी तरह से यहाँ पे एक स्टूडेंट का नेम लिखा मैंने और यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिख लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं स्टूडेंट का नेम लिख लेती हूँ आयशा। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स इनके साथ में इनके फादर नेम भी लिखूंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्टूडेंट का नेम है आयशा फारूक। इसी तरह से जो ये वाली स्टूडेंट है, मेरे पास कोई भी स्टूडेंट आई उसका नेम भी आयशा फारूक था। इसी तरह से स्टूडेंट के रोल नंबर्स भी मैं लिख लेती हूँ। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का रोल नंबर था 10। इसी तरह नेक्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर था 11। इसका रोल नंबर होगा 12 और इसका रोल नंबर होगा 13। अब स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे जब मैंने नेम लिखे थे स्टूडेंट्स के, यहाँ उसको मैं बोल्ड कर देती हूँ ताकि आप उसको ईजिली समझ सकें। उनकी हेडिंग्स को मैंने बोल्ड कर दिया है। ये जो नेम थे स्टूडेंट के आयशा फारूक, जरीन, लायबा, आयशा फारूक। अब देखिए कोई भी ऐसा हो सकता है कि आपकी क्लास में एक ही नेम के दो स्टूडेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका नेम आयशा फारूक था, इसका नेम भी आयशा फारूक था। अब ये भी हो सकता है बाय चांस के उनके फादर नेम भी सेम हो। अब जब रोल नंबर असाइन होंगे आप देखें इसका 10 था, इसका 11, इसका 12 और इसका 13। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे भी आयशा फारूक थी और यहाँ पे भी, दोनों को मैंने एक जैसा रोल नंबर दिया। मैं एक जैसा नहीं दे सकती क्योंकि आप जानते हैं कि रोल नंबर आप सबके डिफरेंट होंगे। इसी तरह से क्लास है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट की 6 क्लास में थी। यहाँ पे जो आप लोग की क्लास तो सेम ही होगी क्योंकि आप एक ही क्लास में। इसी तरह से ये 6th में पढ़ती है और ये भी 6th में पढ़ती है। आप लोगों की क्लास सेम हो सकती है, ग्रेड्स डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल इनकी 100% थी, सॉरी ग्रेड्स लिखने इनका ए ग्रेड था। इसी तरह से जब मैंने यहाँ लिखा तो इनका ए ग्रेड था, का बी ग्रेड था और इसी तरह इसका सी ग्रेड था। इसी तरह से जब मैंने परसेंटेज लिखी इसकी 90% थी,
इसी तरह की इनकी 100 थी, इनकी परसेंटेज फॉर एग्जांपल 70 थी, इसी तरह इसकी परसेंटेज 50 थी। तो स्टूडेंट्स ये मैंने एक टेबल ड्रॉ कर दिया, इसके अंदर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लिख चुकी हूँ। अब आपको पता चल गया कि टेबल किस तरह से इंसर्ट करते हैं और उसमें डाटा किस तरह से इंसर्ट करते हैं। सो हमने पढ़ा था एक टेबल, और नेक्स्ट मैंने आपको बताया था एक चीज़ का कि रो क्या होती है। रो जो बेटा जो आपकी हॉरिजॉन्टल होगी, लाइक ये वाली चीज़। मैं इसको सिलेक्ट कर देती हूँ पूरे को, ताकि आपको पता चले कि रो किसे कहते हैं। ये देखें, ये जो चीज़ मैंने सिलेक्ट की हुई है वो एक रो है, ठीक है, जिसके अंदर ये सारा डाटा लिखा हुआ, ये एक रो है। ये जहाँ तक जाती जाएगी टेबल में वो एक रो होगी। इसी तरह से अगर आप एक कॉलम की बात करें तो कॉलम जो है वो वर्टिकल में होगा। लाइक ये जो मैंने सिलेक्ट किया है ये एक कॉलम है, इसी तरह से ये कॉलम है, इसी तरह से ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, इसी तरह से बाकी सब रोज हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने एक वर्ड पढ़ा था फील्ड का। फील्ड क्या है? यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल ये मैं इसको अगर सिलेक्ट करती हूँ आयशा फरूक, ये एक नेम है ना, ये आप एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आयशा फरूक जैसे ही मैं कहूँगा आपको पता चलेगा ये एक नेम है। सो ये क्या है? एक फील्ड है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ रोल नंबर 10 तो आपको पता चल रहा है एक रोल नंबर। इस तरह अगर मैं कहूँ 6 तो आपको पता चल रहा है ये क्लास है। अगर मैं ए कहूँ तो आपको पता चल रहा है ये ग्रेड है। अगर मैं कहूँ 90% तो आपको पता चल रहा है कि ये परसेंटेज है। तो ये क्या है? किसी भी एक फील्ड क्या है? यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने पढ़ा था एक रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या चीज़ होती है? एक स्टूडेंट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसका नेम, उसका फादर नेम, रोल नंबर, क्लास, ग्रेड, परसेंटेज, ये क्या है? ये आपके पास एक रिकॉर्ड है, किसी भी स्टूडेंट का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट थी जरीन, ये मैं सिलेक्ट कर रही हूँ जिस तरह से रो मैंने की थी। आप कह सकते हैं कि रो एक रिकॉर्ड भी है यहाँ पर टेबल में। तो ये स्टूडेंट था रो, उसका नेम था जरीन, उसका रोल नंबर 11 है, उसकी क्लास 6 है, उसका ग्रेड ए है और उसकी परसेंटेज 100 है। तो ये क्या चीज़ है? ये आप लोग का एक रिकॉर्ड है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको ये जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम वापस चलते हैं। बच्चों हमने ये बेसिक नॉलेज देख लिया कि टेबल किसे कहते हैं, रो कॉलम रिकॉर्ड किसे कहते हैं और फील्ड किसे कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब और देखते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन प्राइमरी की एंड नेम इट्स टाइप। प्राइमरी की किसे कहते हैं और उसकी टाइप्स क्या हैं? इसका आंसर है दिस इज अ फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। ये क्या है? एक फील्ड है या कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड है जो कि यूनिकली, यूनिकली किसे कहते हैं? यूनिक से निकला है, यानी एक मुख्तसर अंदाज में, एक यूनिकली एक अलग से अंदाज में जो आइडेंटिफाई शनाख्त करती है ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, हर रिकॉर्ड को। अब इसकी मैं एग्जाम्पल आप लोगों को देती हूँ। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, अगर मैं कोई मेरे पास आता है वो मुझे कहता है कि मुझे आयशा फरूक की डिटेल चाहिए, तो बेटा आयशा फरूक तो एक ये भी है मेरे पास और एक आयशा फरूक मेरे पास ये भी है, तो मैं यहाँ कंफ्यूज हूँ कि मैं किसकी डिटेल लूँगी। तो प्राइमरी क्या, प्राइमरी की जो है वो क्या चीज़ है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, यानी कि उसके अंदर हमारे पास डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास रोल नंबर है 10, तो क्या इस आयशा फरूक का रोल नंबर 10 है? नहीं, इसका तो 13 है। यानी कि वो वाली चीज़ जो हर स्टूडेंट की अलग होगी उसके ज़रिए हम जो है यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकेंगे और उसको हम कहेंगे प्राइमरी की। दोबारा गौर से सुन लीजिए बेटा, वो वाली चीज़ जो हर स्टूडेंट की अलग होगी उसे हम कहेंगे वो एक प्राइमरी की है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा रोल नंबर ये 10 था, इसका 11, इसका 12, इसका 13। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक क्लास में रहते हुए एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स के एक जैसे रोल नंबर हो सकें, जबकि क्लास, अब देखिए सारे स्टूडेंट्स एक क्लास के हैं तो उनकी क्लास 6 हो सकती है। इसी तरह ग्रेड ए है तो हो सकता है इसका भी ए हो, इसका भी ए हो, इसका भी ए हो, परसेंटेज ये भी हो सकता है कि सबकी 100 हो या सबकी 90 हो। तो ये आपस में जो है वो चेंज हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं, लेकिन रोल नंबर जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो चेंज होगी, वो कभी भी सेम नहीं हो सकती। इसलिए कोई भी मेरे पास आएगा तो मैं उसे ये कहूँगी कि आप मुझे रोल नंबर बताएं, क्योंकि रोल नंबर होगा तो मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूंगी। अगर आप मुझे आयशा फरूक बता रहे हैं तो मैं उसको, आपको ये भी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आप इसके बारे में पूछें, मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि इसको रोल नंबर 13 है, इसकी क्लास 6 है, इसका सी ग्रेड है और उसके 50 मार्क्स हैं, जबकि आपको तो गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपको तो इसकी चाहिए थी। इसीलिए मैं क्या पूछूंगी कि आप मुझे रोल नंबर बताएं। जब आप रोल नंबर बताएंगे 10, तो ऑब्वियसली बात है मुझे पता चलेगा कि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं आपको फ़ौरन बताऊँगी कि रोल नंबर 10 का नेम आयशा फरूक है, उसकी क्लास 6 है
और उसकी जो ग्रेड है वो ए है और उसकी परसेंटेज 90 आई है। सो स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं प्राइमरी की। इट्स मीन जो आपका रोल नंबर है वो क्या चीज़ है, प्राइमरी की है, जिसके जरिए आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन क्रिएटिंग क्वेरी। क्वेरी किसे कहते हैं? मैं आपको आंसर रीड करने से पहले बता दूं, क्वेरी क्या है कि वो मेथड है, वो तरीका है जिसके जरिए आप टेबल में जो भी एंट्री, फॉर एग्जांपल मैंने रिकॉर्ड एंटर किया था जैसे आयशा फारूक का, जरीन लाइबा का, तो उन रिकॉर्ड्स को जो मैं रिट्रीव करूँगी, रिट्रीव का मतलब है हासिल करना, उसके अंदर टेबल के अंदर पहले से मौजूद थे, आपने उसको गेन किया, कोई आया उसने आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी और आपने वो इन्फॉर्मेशन उठा के किसी को दी है, उसे कहते हैं रिट्रीव करना। तो किसी भी क्वेरी लगाना किसे कहते हैं कि किसी भी इंफॉर्मेशन को ढूंढना और उसे किसी को देना। आफ्टर एंटरिंग ऑफ द टेबल, जब आपने टेबल में एंट्री कर दी, वी कैन सेलेक्टिवली रिट्रीव डाटा ऑफ द टेबल। सेलेक्टिवली यानी कि सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे जरीन का चाहिए था, मैंने उसे सेलेक्ट किया, मुझे आशिया फारूक का चाहिए था, मैंने उसमें से सेलेक्ट किया। दिस इज नोन एज क्वेरिंग आर डाटा बेस, उसको हम कहते हैं क्वेरी लगाना। दीज आर टू मैथड्स टू क्वेरी क्रिएट क्वेरी फॉर द टेबल। एक मैथड आपके पास क्वेरी विजर्ड मैथड और एक है क्वेरी डिजाइन मैथड। ये दो मैथड हैं जिसको आप आगे लॉन्ग क्वेश्चन में जाके डिटेल से पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं फिर एक दफ़ा क्लियर कर दूं कि क्वेरी का मतलब जो मैंने जिस मेथड के जरिए वहां से डाटा रिट्रीव किया था, फॉर एग्जांपल मैंने रोल नंबर के जरिए रिट्रीव किया था, तो वो क्वेरी लगाना कहते हैं, उस मेथड को हम क्या कहते हैं, क्वेरी लगाना। थैंक यू सो मच क्लास। स्टूडेंट्स, मैं एक दफ़ा फिर आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ये आप लोग का थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, थोड़ी सी एडवांस जो है आप लोग का चैप्टर है, जिसके अंदर आप थोड़ी सी डिफ़िकल्टी भी फील करेंगे। और अगर आपको कोई भी ऐसा पॉइंट है जो इस वीडियो में क्लियर नहीं हुआ, आपके कोई माइंड में कोई क्वेश्चन राइज होता है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप उसका ज़रूर आंसर मिलेगा। और फिर एक बात बेटा कि आप उसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक टेबल बना के उसको खुद देखें नहीं, तब तक आप उसको अच्छे से समझ नहीं सकते। और समझने के लिए ज़रूरी है कि आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस करें, एक दफ़ा खुद जो है टेबल क्रिएट करें, उसके अंदर डिफरेंट रिकॉर्ड्स एंटर करें और देखें कि किस तरह से, मैंने आपको बताया, किस तरह से आप वो चीज़ जो है कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच क्लास। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।